करेंगे उसका भी और उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ है, तो जो आने वाले प्रोग्राम है फैसलील के अंदर, जैसे आपने कहा था यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, मार्की का कब इफ्तिता होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी लोग पूछ रहे हैं कि इनकी इफ्तिताएँ कब हो रही, प्रोग्राम कब हो रही, कुछ थोड़ा सा डिटेल बता दें कि आने वाले 20-25 दिन में क्या होने जा रहा है। 20-25 दिन में तो सबसे बड़ा फंक्शन तो इधर 3-4 हज़ार का हो रहा है 20 जनवरी को, जो कुरानदाजी का है, जिसमें डेवलपमेंट रिव्यू होगी, और फिर उसके बाद फैसल जूल का इफ्तिताह हो रहा है, रूट स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है, और एक क्रिकेट बहुत बड़े क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह हो रहा है बी ब्लॉक में। हाँ, बी ब्लॉक में, और वो हम ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो हमसे वो ग्राउंड लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फैसल हिल में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ। अच्छा लास्ट क्वेश्चन चौधरी साहब, 20 तारीख को फैसल हिल के अंदर 3 बजे कुरानदाजी है, 4:35 वाली फाइलों की, 5 तारीख आपने लास्ट डेट रखी है, 5 तारीख तक आपने 5% डिस्काउंट भी रखा है लमसम माल ड्यूज पे, 5 तारीख तक अगर कोई लोग ये 5 किस्तें ना जमा कराए या लम सम ना करे, उसके बाद वो बिलेटिंग में जाएंगे या उसके लिए क्या पॉलिसी है, जरा उसके बारे में। बिल्कुल नहीं जी, जो फुल पेमेंट देंगे या उनकी कुरानदाजी है या कम से कम जो 5 किस्तें देंगे, 5 तारीख तक कोई बंदा बैलेटिंग में नहीं जाएगा, फिर उनको प्लाट नंबर उस वक्त मिलेगा जब वो अपनी 100% पेमेंट जमा कराएंगे। यानी इस बैलेटिंग में फिर वो नहीं जा सकता अगर 5 तारीख तक किसी ने नहीं। बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी बहुत शुक्रिया। ये चौधरी साहब थे फैसल टाउन के सीईओ और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, जो फर्स्ट रेजिडेंशियल है जावेद दीवान साहब उनके घर आए हुए हैं। उमर शेख, बहुत प्यारा घर बना हुआ है। वो बना दिया बड़ों वाला, बच्चों वाला बना दिया, सर कुछ भी नहीं करना चाहिए, बैग डोर और ये जो बेड की बैग है ना ये अभी भी तब्दील हो सलमान का वर्कशॉप।